नाम डॉक्टर परमजीत है और ये भतीजा मेरा माहिर इसका नाम है। हम लोग रोहतक से लगभग यहाँ पैदल चल के आ रहे हैं 40-45 किलोमीटर दूर, और आज क्योंकि चौधरी छोटू राम जी को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानूनों से लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई बहुत समय पहले चौधरी छोटू राम ने भी लड़ी थी और किसानों को उनके हक दिलाए थे। इसलिए जो इनको हम दोबारा याद करके दोबारा किसान आंदोलन के हम सारे भाई किसान नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि दोबारा अपनी आवाज़ को जो केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ उनके खिलाफ उठा सके। मेरा नाम सुमन है, हम रोधनगर से हैं और हम यहाँ आज सर छोटू राम की जयंती मना रहे हैं और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। वो किसानों के मसीहा थे और 18 तारीख को हम रेल भी रोकेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अपनी मेहनत करके खावा सा, अपना दिन रात अपने खेत में काम कर, अपने डांगरा न पाला, अपने बालका न संभाला, वो हमारी के परेशानी समझागा। 85 दिन हो गए, 85 थोड़े नहीं होते, 3 महीने के लो हो गए। उसने नू शर्म नहीं आमती, भैये बेटा बेटी सब के सड़का पे बैठे है, 250 से बत्ती बॉर्डरों पे जवान शहीद हो गए, हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी है। उसने नू एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नू नहीं कहता भाई हाँ चलो भाई मैं थारी साथ सू। सरकार की जो गलत नीति है उनसे आप देख रहे हैं, 80 दिन से के करीब आंदोलन के हो गए हैं, लोग वहाँ मर रहे हैं, सर्दी में गर्मी में बारिश में लेटे हुए हैं, वहाँ पर मक्खी है मच्छर है। सरकार को वहाँ ना पीने की कोई पानी की व्यवस्था करा रही है, ना कोई मेडिकल की उनको कोई सुविधा दे रही है, उल्टा वहाँ पर कभी कीले ठोकी जा रही है, कभी उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, कभी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। इनकी संवेदना मर गई है, टावर टूटे हैं तो बड़ी तकलीफ हुई है, और किसानों की जाने गई है तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, और यहाँ तक है कि उनके जो मंत्री हैं वो बड़ी बेशर्मी से ठहाके लगा रहे हैं किसानों की मौत के ऊपर, बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं इनको मरना ही था, यहाँ ना मरते घर पे मरते। अब उनको ये नहीं पता कि 10 से ज्यादा लोग तो हमारे सुसाइड कर गए हैं, क्या घर पे कोई आत्महत्या करता? देश का एक बड़ा संत जिसको पूछते थे लोग, वो वहां मौके पे जाके मर गया, आत्महत्या गोली मार ली उसने अपने आप को, क्या ऐसा करते वो लोग? अपना हक ही तो ले रहे हैं हम, कोई भीख थोड़ी नहीं मांग रहे। जब उसने वोट लेनी हो, जब वो उसमें आया था रिवाड़ी में, वो कह के गया था हरियाणा में एक मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, कानून लाऊंगा, किसान की दुगनी आमदनी होगी, हमारी दुगनी के वाह भी ना छोड़ी भाई उसने मारी। जब मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो वो लोग भी आंदोलन करते थे, क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किया? ऐसी तमाम वीडियो है जिसमें वो भी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोग भी अपनी बात को सरकार के आगे रख सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, और 6 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री हो गए, इतनी उनको गरिमा रखनी चाहिए कि लोग वहां मर रहे हैं उनके ऊपर हंस रहे हैं, नए नए जो शब्दों का आविष्कार कर रहे हैं कि आंदोलन जीवी है फलान है, ये बात उनकी गरिमा के लिए उनको शोभा नहीं देती। हम कोई भूत तो है नहीं, इंसान ही है, हमारी मांगे पूरी करे। राजा किसने बनाया? हमने ही बनाया था, तो राजा का फर्ज बनता है ना, प्रजा अगर दुख में है और प्रजा को दुख में डालने वाले भी वही है, तो प्रजा को दुख से बाहर वही निकालेंगे और उनको आना ही पड़ेगा और बात करनी ही पड़ेगी। अभी तो वो किसी तरह की बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर तक बैठेंगे जी, लेकिन हमारा इरादा है कि हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक बैठेंगे, टाइम कुछ भी लगे। देखिए पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती, पहली वाली चोटें उसको कमजोर करती हैं।